वो सेवा कैसे होती है? विनिर्मुक्तम तत्परितम निर्मलम हिषिकेन हिषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते सर्वोपाधि विनिर्मुक्त। जब जीव समस्त उपाधि से मुक्त हो जाता है, जब बद्ध जीव में अनेक उपाधि रहता, पहले अपने शरीर की अभिमान रखते, मैं स्त्री हूं मैं अभिमान सब बद्ध एक अभिमान एक डेजिग्नेशन वो डेजिग्नेशन क्या है? देहात्मभिमान। जब तक जीव जीव के हृदय में देह अभिमान रहेगा, देहात्मभिमान रहेगा, तब तक जीव वास्तव रूप में शुद्ध भक्ति जो अनुसरण कर नहीं पाएंगे। इसलिए तो कहते हैं भूत शुद्धि में जो मंत्र दिया जा रहा है, नाहम विपुल किंतु पद्म निकुण परमानंद पूर्ण मिताब दे गोपी भोतुर मधुकमलोर दास। यही हमारे दिखा दिया है ये गोपी भोतुर गोपियों के प्राण प्रियतम कृष्ण उनकी चरण कमल में हमारे दासत्व भाव पर दास कहने की जैसे सेवा यहाँ पर दास कहने से यही नहीं है ये दास भक्ति। दास शब्द की अर्थ होता है सेवा और वही सेवा भक्ति ही भक्ति है, क्योंकि दास से ही भक्ति की जो है उद्गम होता है, उद्गम जो है सोर्स निष्ठा क्या बोलते हैं शांत रस में सेवा नहीं, शांत रस में केवल अपने इष्ट देव के प्रति एक निष्ठा रहता है, संत की निष्ठा सेवा की भावना नहीं रहता। किंतु दास में आकर के दो वस्तु निष्ठा अर्थात अपने इष्ट देव के प्रति निष्ठा और सेवा वृत्ति जागृत जग जाती है। इसलिए बोले संत के इसलिए लिया गया ने उसने इष्ट वस्तु की निष्ठा, क्योंकि चैतन्य चैतामृत में लिखते हैं निष्ठा ही थे उपजय प्रेमर तरंग, हमारी निष्ठा स्टेडीनेस जैसे जैसे नाम निष्ठा भजन निष्ठा गुरु निष्ठा इष्ट देव निष्ठा ये निष्ठा ही क्या करते हैं वो हमें आगे ले जाते हैं, मैच्योरिटी में। इसलिए संत भक्त में जो निष्ठा दिखा रहे हैं वो निष्ठा जैसे परब्रह्म भगवान है वो आत्माराम आप्तकाम, इसलिए वो भगवान आत्माराम आप्तकाम होने के नाते उनके सेवा की जरूरत नहीं। यही रहते क्या रहते ना निष्ठा प्रधान होता है और सेवा गुण हो जाता है सेकंड लेवल वैकुंठ, वो आत्माराम अब तक वो पुरुष उनके सेवा की कोई जरूरत नहीं होता है, वो सर्वव्यापी सर्वनियंता सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनकी कोई सेवा की जरूरत नहीं होता है। इसलिए संत भक्त में ये दिखा दिया और दास भक्त में क्या दिखा रहे निष्ठा और सेवा भक्ति। किंतु दास भक्त यहाँ पर भी दो प्रकार में दिखा रहे हैं, दास में दिखा रहे एक ऐश्वर्य युक्त और एक माधुर्य युक्त। ऐश्वर्य युक्त जहाँ पर है अहम ऐश्वर्य पर जो भक्त होते हैं वो भगवान है, वो भगवान होने के नाते हमें कोई सेवा करने की जरूरत नहीं है। किंतु यहाँ पर एक वस्तु आता है उनके हृदय में एक ममता आ जाता है, यहाँ पर संबंध ज्ञान करा करके ममता है, वो मेरा है मैं उनका हूँ, इस समस्त ममता पर मेरे पर
यही सेवा वृत्ति लेकर के आए। वो ईश्वर युक्त हो अथवा माधुर्य युक्त हो, सेवापन वृत्ति लेकर सेवा, जैसे हनुमान की उदाहरण दिया है, दस रस की परफेक्ट जो एग्जाम्पल क्यों है हनुमान जी के द्वारा, क्योंकि संबंध ज्ञान जब तक नहीं हो सेवा नहीं जगता। इस संसार में भी दिखा जाता है, एक माता माँ जब बालक के जब जन्म देते हैं और उसमें संबंध ज्ञान होते, मेरे पुत्र है, मेरे पुत्र होने के नाते मेरा सेवा ही हमारी परंपरा, उसके खिलाना पिलाना रखवाल करना जो कुछ इसलिए कहते हैं प्रेम की जो परिभाषा फिर कहते हैं ममता विष्णु ममता प्रेम संगत, भगवान में अनन्य ममता उत्पन्न प्रेम संगता, प्रेम सेवा, प्रेम सेवा और मैत्री, ये जो तीन जो वस्तु में ये दो जो है मैत्री और प्रेम, एक प्रेम और सेवा, सेवा और मित्रता, ये प्रेम जुड़े रहते हैं, सेवा मित्रता, मित्रता कहने की तात्पर्य है आत्मिक जिसो का हमारे साथ जुड़े है, हर वस्तु में एक एक आत्मिक होता है, एक आत्मदायी, आत्मदायी में क्या होता है वो मैं दुर्योधन दुशासन की विचार जो है, ये पांडव लोग उनके सारे संपत्ति के आम हड़प ले, छीन ले, आम भोग, तो हम डिवाइड करते हैं, मेरा नहीं, हस्तिनापुर 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 मेरा और इंद्रप्रस्थ भी मेरा, क्योंकि वो हस्तिनापुर जो है इंद्रप्रस्थ की एक अंश ही था, इंद्रप्रस्थ उसको तो पहले हस्तिनापुर केवल पत्र है कुछ है, चलो उनके लिए दे दिया था, राष्ट्र ने देने के तो एक बार बिल्कुल इच्छा ही नहीं था, लोगों की बसाया, प्रजाओं के लोग बैठाया है, और सुंदर खेती आदि करने लगे विशाल देख करके दुर्योधन के क्या हुआ, इतने जलन होने लगे, इतने इच्छी हस्तिनापुर है ही है और उसको भी दे ले, पहले तो पत्थर भूमि भूमि था, और अभी जब उन्होंने माई दानव के द्वारा सुंदर आज महल बनाया और भगवान के द्वारा अर्जुन ने किया षड्यंत्र कराए कि नहीं, ए हरि बोल, तरुणी गे भी यू कैन कैरी 15
For what? Boy, punjis. और ऐसा करके संपत्ति को उनको शास्त्र में अनेकों जो है सिनोनिमी है ये सब अनेक है किंतु गंभीर रूप में जो भेद सृष्टि होता है एक व्यक्ति मन के विचार दूसरे व्यक्ति मन के विचारों के साथ यदि तो घुस सके हम विचार को विचार विचित्रता व वैचित्र वैरायटी इस संसार में पेड़ में जितने हजारों पत्ते चलो इमली का पेड़ देखा हजारों पत्ते किंतु एक पत्ता दूसरे मैच नहीं कुछ डिफरेंस क्योंकि क्या है क्यों भगवान वैचित्रता शरीर की है और जितने जो कुछ है पेड़ सोने पर भी जमत संतान कहीं नहीं अलग है तो पकड़ेगी स्थूल देख पा रही है संसार की विचित्र प्रधान कारण क्योंकि माधुर्य है एक माधुर्यता प्रकाश करते हैं आप घर जगत में सेवा किंतु संबंध सेवा की वृत्ति जो है वो संबंध और संबंध ज्ञान की नहीं जो ममता ममता की ममता की जो परिभाषा अन्न ममता विष्णु सब आश्रित तो सेवा की वृत्ति जो है इसलिए कहते हैं अन्न ममता विष्णु भगवान विष्णु स्वयं ग्रह कृष्ण होने के नाते कृष्ण में ये और वही होते होते दास स्वभाव में आ रहे हैं क्या दो आ रहे हैं एक है और उस सेवा वृत्ति आते हैं संबंध ज्ञान के बाद एक आत्म बोध कराती है मेरापन मेरा पिताजी मेरा माता हम सब मेरा मेरा लगा क्या सोचते हैं मेरे भगवान मेरे प्रभु है और शांत में वो जो प्रहलाद महाराज जी वो ये नहीं
नादानवादी कहते भगवान ने अब क्या दिया है? अरे बात तुम्हारे भूख लगेगा, तुम उस समय ना चावल और कुछ खाने का कुछ नहीं, तुम्हें दूध चाहिए। और वो दूध कहाँ से भेजा माता है? कौन माता है? चलो लौकिक उपचार में हम तो भगवान के देखे नहीं, माँ को देखा। शास्त्र में कहा था मातृदेव हो, माता जी के भगवत स्वरूप जान करके पितृदेव हो, पिताजी के भगवत जान करके फिर आचार्य देव हो, उसके सोपान को सोपान समझ पिताजी की सेवा और माताजी की सेवा में तब भी देखे ये माता माताजी की सेवा जो है वो एक यूनिक अनप्रवाल है सेवा है। और उसमें ममता कहाँ पर जुड़े रहा है? तो ये दास रस में ये दो वस्तु दिखाया कि निष्ठा के साथ ही साथ सेवा वृत्ति, और सेवा वृत्ति क्या है? ममता जो आप ऑफिस में करना चाहते सेवा करते सेवा के लिए सेवा कर रहे, किंतु उसमें क्या सेवा किस लिए कर रहे? पैसा मिले है? और भी उसमें वो ड्यूटी लिखा है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं ड्यूटी करने के लिए हमें इतने समय तक करना है, 8 घंटा ड्यूटी करना फिर चले आए, इसे इसके बाद हमारे कोई ये नहीं है, मतलब ही नहीं है। हमें हफ्ता में मानो 40 घंटा काम करना है, 40 घंटा हो ज्यादा हमें क्या लेंगे? वो भी ये सेवा अभी कर रहे हैं, जो कंपनी आपको जितना पैसा दे और दूसरी कंपनी अधिक पैसा दे उस कंपनी को आप छोड़ दो, है कि नहीं? 10,000 रुपए दे रहे, 20,000 रुपए पैसा दे, और दूसरी कोई मालिक आपके लिए 50,000 दे, तो आप किसके सेवा करें? पैसे की। यदि हम घुमा फिरा करके देखें, इसलिए महाभारत में भीष्म पितामह ने यही तो कहा, ये सब तो भी कहा है, सब हम लोग क्या है, अर्थ के लिए हम दास, अर्थ किसी के दास है? क्या बोला? हम सब अर्थ के दास है, ऑल वी आर स्लेव ऑफ मनी, और मनी किसी के दास? ये नहीं दास है। आज तुम्हारे पास है, कल उसके पास है, आज हमारे पास कुछ पैसा है, काल नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा वो जो पढ़ी को मिली, एक दिन ऐसा आएगा वो साध कैसे है? एक दिन खाली में साजिस्ट सार्थ है। सार्थ कहाँ पर है? जहाँ पर हम भगवत भजन करते हैं।
कैसे निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति, सकाम सेवा, सकाम भक्ति, और एक होता है निष्काम से। भगवत कृति हमें एक बात उद्देश्य जगत में जितने भी है काम करते हैं, सेवा कर रहे हैं, जो कुछ करते हैं, सब सकाम ही कामना के साथ। एक राजा जो समान और वही राजा जब इस जगत में सभी साथ में सेवा भाव में वही दिखा रहे हैं। कृष्ण ने यही पूछा, उपाधि इस संसार में जितने भी प्रेम है उपाधि युक्त है, एक कुछ भी घोषणा जो है बनाते हैं। वही बगीचा यदि नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, तो जंगल के छोड़ चले गए। वो घोंसला बनाया और जो कमरों का साथ बगीचा में सुंदर सुंदर पके हुए समिष्ट स्वादिष्ट फल और भोजन करना, फल को आहरण करना, ये धोरण भी जंगल में रहता है। यदि हरी हरी घास और वो जंगल यदि जंगल में जब हरी हरी घास अधी तो विद्या हम विद्या अर्जन करते हैं में जाते शिक्षक के साथ अध्यापक के साथ हम मित्रता भी करते हैं। कब जब तक हमें वो डिग्री ना मिल जाए, जब डिग्री मिल गए फिर उनके साथ हमारे कोई संबंध नहीं है कि नहीं। आप स्कूल कॉलेज में जाते हो कब तक वो उसको उसके संबंध रखते हो? वो टीचर अच्छा है और आप बहुत सुंदर है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं और उसकी सब कुछ। जब हमारा डिग्री मिल जाता है तो उनके साथ हमें कोई संबंध ना, कभी स्कूल में गए ना, वो टीचर जीवित है कि नहीं हमें तो पता ही नहीं। दूसरे समान भाव से तथा अधिक ये सब के उपाधि गोपियों ने यही प्रश्न पूछा, उद्धव को बताओ इस संसार में जितने भी भक्ति कार्य चाहवत था, कोई चाहवत नहीं।
क्या मत है कि नहीं, क्या चाहते सांसारिक विषय वस्तुओं को भी कुछ नहीं मान, हम लोग दिए गोपी ने कृष्ण की क्या दी, पिलाए पिलाए कृष्ण ने रस्सी बना के गोपियों की कहा गोपियां इतने सुंदर सुंदर रसोई बना करके कृष्ण की खिला के नहीं अच्छा बात सही है कि नहीं कृष्ण ने कभी रसोई बनाया ना कभी गोपी को ऐसी गोपियां वही कह रही है कि तो बताओ गोविंद के साथ हमारे जो कुछ उपाधि मांगना ये सब चीज बहुत बुरी, उसमें प्रेम क्या हो जाता है, प्रेम है हम किसके जो कुछ मानते हैं वो प्रेम वास्तव में क्या सेवा करूं, आने के कारण क्या है,
ये बात कृष्ण भी गोपियों की यही प्रश्न पूछ रहे हैं। चलो आप लोग किस लिए आए हम बताएं, हम प्रश्न किस लिए आए आपसे कथा सुनने की बात। मैं कथा नहीं बोला, आप आओगे कि नहीं आओगे ये बात बताओ पहले। आपके लिए है कि नहीं, हम कथा सुनाएंगे इसलिए आप आए हैं, तो ये भी क्या हो गया। हम कथा नहीं सुनेंगे, सुनाएंगे आओगे नहीं हम, तो कथा श्रवण करना आपका क्या हो गया, ये हेतु नहीं है, ये आपके प्रति के लिए शब्द तो बोल जाएगा। आप कथा सुनाए अथवा नहीं सुनाए हमको लेन देन नहीं। अरे भाई जब भक्त ऐसे होता है कोई आ जाए उसके जी आप अपने आप बोलेगा है कि नहीं। जो संत महात्मा होते हैं आपको बोलना, आप बोल दिया महाराज मैं कहेंगे जो संत महात्मा आप किस लिए आए, मेरे कथा सुनने के लिए। संत महात्मा कहेंगे मैं कथा तो बोलूंगा नहीं, तो आए किस जाओ, कहते नहीं ये उत्तर ठीक नहीं है, ये महाराज आपकी कथा सुन देना चाहिए। प्रपार उत्तर क्या आपके प्रति के लिए, आपके दर्शन करने के लिए। गोपियां तो यही प्रश्न, गोपियां भी उत्तर, भगवान ने प्रश्न किया आप लोग के आने के कारण क्या है। गतम भो महाभाग हम किम करो मैं करूं, आप लोग के स्वागत है आप लोग आए, आपके कैसे सेवा क्या करो ये तो बताए। तो यह बार गोपियों के हृदय में थोड़ा एक रोष उत्पन्न है, मान उत्पन्न हो गया, बोले क्या या हमें वंशी के द्वारा हमें बुलाया और फिर कह रहे आप किस लिए आए, आप ही जाने हमें बुलाया। आप बताइए आप किस लिए बुलाए और फिर कह रहे कि आपके आने के कारण है। जैसे आपके घर में आप मुझे कहा महाराज 10 बजे मेरे घर में आइए प्रसाद पाइए। चलो एक बात करिए, मैं 10 बजे आपके घर में खटखटाया गया, आप दरवाजा खोले फिर महाराज आपके आने के कारण क्या, तो हम क्या उत्तर देंगे। आप तो मुझे कहा क्या कहा महाराज हमारे घर में कल 10 बजे आइए प्रसाद, और मैं 10 बजे आया कहते आने के कारण क्या, आपने बुलाया और हमें प्रश्न कर रहे आपके कारण क्या, ये दुख की बात हो जाती है कि नहीं। गोपी के हृदय में तो यही कृष्ण जी की ये जो चातुर्य जो है एक्सपर्टीज़ ये कृष्ण सुनना चाहते है से। मैं तो बुलाया ये तो बात सही है, कृष्ण ने बंसी वादन किया और सारे गोपियां आ गई। आज समझे रासलीला की प्रारंभ में कलम जगो वाम दिशा मनोहरम, कृष्ण ने वंशी ध्वनि के द्वारा क्लीम शब्द के द्वारा समस्त गोपियों की आह्वान के बुलाया और सब गोपियां आज। अच्छा कृष्ण किसने बुलाया, कृष्ण किसने बुलाया, उनके साथ प्रेम प्रति व्यवहार आदि कर, यही तो कृष्ण का उद्देश्य था। ये तो कृष्ण ऐसे प्रश्न कर रहे हैं आप लोग के आने के घर खत्म हो महाभागा आप लोग के स्वागत है।
आइए बता दिए। और फिर कहने लगे कि करवा किंतु यह पर प्रेम रस की ऐसे विशिष्टता दिखा रहे हैं बहुत प्रेम रस की दिखा रहे जा रहे हैं गोपियों के साथ कृष्ण के साथ इतने आत्मिक संबंध है अत्यंत प्रगाढ़ संबंध होने के नाते जो कृष्ण ऊपर से कुछ वाम भाव दिखा रहे हैं लेफ्ट विंग्स मोड दिखा रहे हैं और गोपियों के हृदय में जो दक्षिण भाव राइट विंग्स मोड दिखाते वो कृष्ण सुनना चाहते हैं। साधारण रूप में देखा जाता है स्त्रियों में एक वाम भाव रहता है लेफ्ट विंग्स मोड रहता है किंतु इस रस विचार में कृष्ण विपरीत दिखा रहे हैं प्रेम रस आस्वादन करने के लिए कृष्ण यहाँ पर एक विपरीत भाव दिखा रहे हैं। तो कृष्ण गोपियों के साथ एक उसी की कथा प्रसंग आगे बढ़ाने लगे ये ठीक है शायद आप लोग आए हैं वन दर्शन करने के लिए जंगल दर्शन करने के लिए जाओ दर्शन हो गया जाओ घर जाओ अधिक समय रहना नहीं है गुरु रूपा गुरु निमित्त से बता घर जंगल है अंधकार है अधिक समय तक रहना उचित नहीं है। तो उसी प्रकार कृष्ण गोपियों के ये समस्त बोलते जा रहे हैं किंतु उसमें दर्थक होता है मतलब दो प्रकार अर्थ होता है कृष्ण गोपियों के जो भी बोले उसमें दो दो अर्थ होता है घोर और रूपा संस्कृत में ये अघोर होता है घोर होता है एक अंधकार अरे पूर्णिमा रात्रि है कृष्ण बंसी बजाए गोपियों के बुलाए के कब वो तो पूर्णिमा रात्रि है उसमें अंधकार कहाँ है क्या हो रहा है परिक्रमा हो गया मैं भी हो गई हाँ इसलिए ये दिखाते जा रहे हैं घोर रूपा घोर शब्द का अर्थ घोर एक अघोर होता है नहीं नहीं आप लोग मत जाओ कृष्ण एक्चुअल कह रहे हैं आप लोग जो आए हैं आप लोग लौट करके मत भगवान इसी प्रकार समस्त जीवों के मानो ये सूचित करते आ रहे हैं ये सभी जीवों के कर्तव्य क्या है मेरे तरफ आना ये संसार दुखमय है दुखालय सत्सतम जब हमारी तरफ जब आ गया फिर माया की तरफ क्यों जाओगे ये तो कहते हैं क्योंकि संसार दुखमय है एक साधारण जीवों के लिए शिक्षा दे रहे हैं परम पुरुष परमात्मा स्वयं भगवान के भजन करें फिर माया की तरफ क्यों जाओगे मेरी तरफ ही रहो ये भगवान मानो कहते जा रहे हैं जीवों की शिक्षा दे रहे हैं गोपियों के लिए तो केवल एकमात्र उपलक्ष्य मात्र है उपलक्ष्य समझते हो उनके लक्ष्य करके कह रहे हैं लक्ष्य करके जगत जीवों की गीता के
अर्जुन को उपदेश देना कोई जरूरत नहीं है, अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद है, किंतु अर्जुन के लक्ष्य करके समस्त जीवों के शिक्षा, इसके तो उपलक्ष्य कहा जाता है। उसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण गोपियों की उपलक्ष्य करके समस्त जीवों की शिक्षा दी, ये मुझे भजन करना ही ये जीवों के परम कल्याण है, मेरे सेवा करना यही जीवों की परम उद्देश्य है, है? ये संसार दुखमय है, ये आप जो देव पूर्णिमा अंधकार तो है ही नहीं, और जहां पर संग भगवान करे मैं हूं, मैं पर अंधकार कहां होगा, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया, जहां पर भगवान विराजमान है वहीं पर अंधकार कहां रहेगा, माया कहां, माया अंधकार है ना, तो भगवान ये भी हमें सिखा रहे हैं, है यही तो विचार दे रहे हैं। ये जीव एक बार भगवान की तरफ उन्मुख हो जाए फिर कभी वो उनकी ये क्या बोलते हैं, वो कभी माया की तरफ नहीं जाएगा, है? एक बार जीव कोई भगवान की तरफ जाए तब तो उसके जीवन सार्थक बन जाते हैं। हम भगवत उन्मुख नहीं हो रहा है तब तक माया हमें जकड़ करके रखे, जकड़ के समझ दो, पकड़ कर कस करके पकड़ कर, और जब हम भगवान के तरफ उन्मुख हो जाते हैं, है? माया रे पीछे ने फैली कृष्ण पाने चाहे, भजी दे कृष्ण पाद पद्म पाए, जब हम माया के पीछे रख देते हैं और भगवान की तरफ उन्मुख होकर के हम चलते हैं, है? और भगवान के हम पुकारते हैं तो माया अपने आप छोड़ देती है, लग जाता है, समय लगता है, है? एक दिन में नहीं होगा, है? गंदे की कपड़ा जो एक दिन एक बार वॉशिंग मशीन में डालने से साफ नहीं हो जाता है, उसके बार बार क्या करते हैं, धोना पड़ता है। उस प्रकार अनंत काल से जीव इफ माया में ही डूबे हुए हैं, माया में हम पड़े हुए, कहां हो जाए, हरी कथा साधु संग, हरी कथा यही साधु संग हरी कथा के द्वारा ही हमारे क्या हुआ, आत्मा की उन्मेष होगा, उन्मेष जगह जागृत होगा, आत्मा क्यों जगेगा, आत्मा तो अभी सोए हुए है, मानो सोए हुए हम सब, इसलिए महापुरुष ने कहा जीव जागो बुरा चांद बोले करतो निद्रा जाओ माया पिशाचे, कब तक सोते रहो माया, उठो जागो उठो बरान निवदत कृष्ण धारा निश्चित दुर्गम पथस्तत कव्य बदंते है, वेयर शी इज गोइंग, नाउ गोइंग, हां नाउ शी गोइंग, वेयर, एरोपोर्ट, रशिया, रूसकी, ओ सिटोगन प्रसाद गिवन करते, कितने से प्रसाद डिड गए वेला, अरे बॉक्स बॉक्स पे जो, हां दे ले जाओ, ओके सून आई गो सी ऑल यू, ओके थैंक यू। इसलिए कहता है माया के माया रे पीछे ने फली कृष्ण पाने चाहे, भजते भजते यदि साधु भजित पाए, तार उपदेश मंत्रे माया पिशाची पालाए। इस प्रकार संसार में भ्रमण करते करते जब साधु वैद्य डॉक्टर मिल जाए, उनके सदउपदेश करते तो माया हट जाए, तब भगवान के दर्शन करें, भगवत दर्शन तब तो होता है जब हम सब सत्संग करें। से उसी प्रकार गोपियों के साथ खाली हुई अनेकों कथा हुई, हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर रह के वो रस आस्वादन करता है, अनेक अर्थ है, कृष्ण भी कहने लगे रहो, है? तो ये समस्त बहुत कुछ दिखाया, चलो
इसलिए कहते हैं भगवत भजन, इसलिए कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भगवान भी, भगवान जी गुरु प्रश्न प्रसाद पाए। भक्तिलता बीज क्या बता दिया, कृष्ण की सेवा वासना, कृष्ण सेवा वासना, उसको जागृत करना। आपने जो बताया कि साधु संत से, तो एक जो श्लोक आता है कि लव मात्र साधु संत, तो जीव के अनर्थ बड़े हैं, लव मात्र साधु संत से भी आपने जैसे बोला कि कितना जन्म लग जाएगा, तो संगति उसने होना चाहिए ना, लव मात्र एक सेकंड के 11 भाग के एक बार उसके लव का है यार, बहुत टाइनी से है। संघ भी तो होना चाहिए ना, हम संघ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा, अपने से भोजन करने से कैसे पता चल, पेट भर गया भोजन कर, तुष्टि पुष्टि खुद नहीं भरती है। भोजन करने पर जितने ग्रास ग्रास में भोजन करोगे, आपके साधु साधु पदे पदे है, किंतु आप लोग सब क्या जंडिस रोग में सब पड़ी हुई, भूख नहीं लगता है, थोड़ा लगा खाया तो आज खाने की इच्छा नहीं करता। जंडिस रोग जैसे क्या बोलते हैं उसको, पीलिया रोग, पीलिया रोग में जो कुछ भी वो खाते हैं ना, एक तो भूख लगते नहीं, जबरदस्ती खाए तो अच्छा नहीं करते। माया उसी प्रकार ही जकड़े हुए हैं, ये चला जाएगा है, माया हट जाएगी और उतने परिमाण, इसलिए तो उसी प्रकार होता है। आज कथा सुनाया था मैंने, खट्टांग राजा की कथा सुनाया, उनके घर में गए थे ना, खट्टांग राजा की भागवत में आ रहे, एक क्षण के लिए भगवान की बस प्राप्ति कर लिए है। देवता लोग कहने लगे कहने लगे मुझे मुक्ति चाहिए, देवता लोग कहने लगे हम मुक्ति दे नहीं सकते, मुक्ति दराज जो मुकुंद, तब कहने लगे आप बताओ हमारे आयु कब तक है, बोले केवल कणार्ध काल एक समय तक, तो हमें क्या, तो उन्होंने के आदर के भगवान के ध्यान लगा दिया, भगवान की प्राप्ति आज मन चित्त जितने आपके निर्मल होते लग जाएगा। कणार्ध काल इसलिए कहा गया जिसका चित्त जितना ही पवित्र होता है, यही तो कहा गया है, चित्त मन जितना जिसको, और पुनर्जन्म के संस्कार भी होना चाहिए ना, एक जन्म जल्दी लग जाता है, जिसके नहीं है उसके बार बार करना पड़ता है, है? सहज में कर देते, पत्थर में करने के लिए क्या करता है, बार बार खींचना पड़ेगा। एक मिट्टी पर नाखून से भी आप एक रेखा खींच सकते हैं, है कि नहीं, जमीन पर, तो यहाँ पर वो रेखा खींचने के लिए बार 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 करना ताकत से, पर तात्पर्य क्या है, अनेक जन्म की संस्कार है? और ना जाने क्या क्या भरा हुआ, इसलिए उसके गाते करना पड़ेगा, जिसके अनेक जन्म संस्कार ही वो पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, और ये बार बार पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, संस्कार के ऊपर निर्भर करता है सर, संस्कार इंप्रेशन, उदाहरण दिया जाता है उस सर्वोच्च सर्वोच्च दिया जाता है, है? लवमात्र साधु संत वैकांतिक निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास कर, विश्वास जगाना भी कम नहीं है, डाउट तो हो जाते कौन साधु है कौन असाधु है समझना भी, रावण भी साधु था
और दूसरा मैंने क्या बोला था, काल में भी साधु रावण के साधु तो कथा आप लोगों ने सुना, साधु संग साधु छल कपट और काल में भी कथा सुनी कि नहीं रावण में, हनुमान जब लक्ष्मण जब मूर्छित हो सुसेन वैद्य ने कहा जाओ हिमालय के उत्तर से संजीवनी कुटिया लगे, उस समय रावण के द्वारा प्रेरित करके काल नेमी ने रात और रात ने समुद्र के ऊपर एक माया के दीप टापू बनाया, उन पर बैठ गए और साधु वेश धारण करके बजा आओ यहाँ पर थोड़ा विश्राम करो, मैं सब कुछ मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ मिले। हनुमान जी भगवान के रामचंद्र भक्त है, सब जानते हैं। हनुमान जी बोले अच्छा बोले आप बताओ कैसे कैसे मिले, बोले मंत्र हमसे, मंत्र लेने से क्या करना पड़ेगा, पहले वहीं पर जाओ निकट में एक नदी है, है? स्नान करने के लिए वहीं पर एक मगर मच्छर था और सुनमान जब मगर मच्छर हनुमान को पैर पकड़ करके खींचने लगे, हनुमान जी रामचंद्र के भक्त है, हनुमान जी ने कहा मगर मच्छर के जो क्या बोले जो जो है जबरा को फाड़ कर उसको मार दिया, फिर उसके शरीर से दिव्य शरीर प्राप्त किससे मगरमच्छर से देव से, और हनुमान जी के परिक्रमा की सारी कथा बताया। अब ये काल नेमी जो है ये साधु नहीं है, ये दुष्ट रावण के द्वारा प्रेरित होकर दुष्ट है, है? और फिर अपने मुक्ति हो गया मैं देखा, हनुमान जी समझ गए, हनुमान जी आगे और काल नेमी तो बस जप कर रहे थे, हनुमान जी बोले हाँ ये मंत्र लेने के पहले मैं मंत्र तो इसके बाद दक्षिणा, हनुमान जी बोले नहीं नहीं पहले आपको दक्षिणा देता हूँ, हनुमान जी क्या बोले नहीं नहीं पहले मंत्र आपको दक्षिणा देता हूँ, अच्छा बोले क्या दक्षिणा, हनुमान जी ने कह कि पकड़ करके फाड़ दिया मारना दिया, बोले यही दक्षिणा हो गया। तो हनुमान जो ऐसे देखे जो साधु कौन है असाधु कौन है, हम तो साधु संग कहते हैं तो साधु परिभाषा साधु संग और साधु भी हो ठीक है सब साधु है किंतु सब साधु एक बराबर नहीं, ये भी देखना, एक साधु होता है एक साधु होता है, क्या बोला साधु होता है इसके हृदय धुके माने साधु सम्यक रूप में माया की मैल से धो गया, जो संसार की वस्तु जो आसाधन करती है वो साधु समस्त विचार करना पड़ेगा, और साधु भी अनेक प्रकार के कैटेगरी के साधु अपने अपने अधिकार के अनुसार साधु संग हृदय में प्रेम उत्पन्न ऐसे जैसे तैसे साधु करने से नहीं हुआ, साधु की कैटेगरी कनिष्ठ मध्यम उत्तम क्या जैसी हम इच्छा रखते हैं तो आपकी जबकि सुकृति के ऊपर निर्भर करना है, सत्संग प्राप्ति कुंभी सुकृति पूर्व संजय आपके पूर्वजन के सुकृति जब पुष्ट होगा तब वो साधु सब साधु एक नहीं है, जैसे जैसे आपके प्रयोजन की स्वीकृति है उस स्वीकृति के अनुसार वह भक्त आपके प्राप्त, आप अपनी इच्छा से नहीं है, आपके नाम साधु तो हम तीन प्रकार के साधु का शाश्वत देह प्राप्त नाथ जी कहां मिले आप है? और मिल भी जाए यदि पोटेंशियल
ध्रुवक की मिला के नांदी इतने बड़े साधु, ये व्यक्ति सबसे बड़े साधु सब दौड़ेगा आपके हृदय में है। ध्रुव प्रहलाद भी नारद जी के सेवा की, भी नारद जी के सेवा की, पांडव लोग सब नारद ऋषि तो जदा कदा आते थे हस्तिनापुर में युधिष्ठि महाराज और राज्य वर्णन है जुआंग लोके नितो जुआंग निलोके बतभूरी भागा है। नारद ऋषि तो कथा सुने क्या उनके हृदय में गोपी भाव उत्पन्न हुई लुप्त तो जग गया किसका या में भी ऐसे ब्रज प्रेम उत्पन्न प्राप्ति करने के लिए किसने कठोर तपस्या भी किया कहां राधा कुंड के तट पर राधा कुंड कृष्ण कुंड के तट पेड़ के रूप में साधन भजन किया तब भी नहीं हुआ वो भी छोड़ दिया उद्धव भी आए कथा तो सुनाती है ना गोपी प्रेम क्यों नहीं प्राप्ति हुई वो पोटेंशियल है ही लक्ष्मी भी अरे वो तो छोड़ दिए नारायण भगवान के कॉन्सर्ट ऑफ लॉर्ड नारायण भगवान के अत्यंत जो लक्ष्मी देवी तो नारद जी के मुखारविंद से ब्रज की महिमा गोपियों की राजला कथा सुन वृंदावन में आज हरि कथा जो श्रवण कर रहे हैं।